हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैग एंड ऑन टैग स्टडी। मेरा नाम है राहुल नदिया और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेकंड पार्ट ऑफ ईवीएस, यानी कि एनवायरनमेंट का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। एंड फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ, सो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, देन यू कैन सी। ओके, एंड इट्स इम्पोर्टेंट पार्ट बिकॉज मैं जो ईवीएस के यानी कि इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए गए, वो जो अब मैं बता रहा हूँ ईयर बाय ईयर कट ऑफ बढ़ता जा रहा है। और जो गवर्नमेंट कट ऑफ सपोज़ हर साल 100 या मतलब 5-6 नंबर तो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। सो देन उसको डाउन करने के लिए कट ऑफ सपोज़ इस बार गया था 100 फॉर जनरल, अब डे बाय डे तो ईयर बाय तो ईयर स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, तो इंक्रीज सपोज़ फिर 110, 120, 130 तो ऐसे नहीं होगा, बिकॉज उसको देखते हुए कट ऑफ जो मेंटेन रखते हुए गवर्नमेंट थोड़ा टफ पेपर बनाएगी। याद रखना, टफ पेपर बनाएगी बिकॉज इसलिए उसका जो कट ऑफ है वो मेंटेन रहेगा। तो आप याद रखना, ECS यानी कि इंजीनियर सर्विस की भी क्वेश्चन पुट पूरा सेम रख देते हैं बिकॉज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और SSC JEE में बेसिकली ईजी आता है, इतना टफ नहीं आता। सो इसलिए मैं ये क्वेश्चन ला रहा हूँ बिकॉज प्रीवियस ईयर के ESC क्वेश्चन थे इंजीनियर सर्विस के, जो कि काफ़ी पूछे जाते क्वेश्चन SSC JEE में और अब पूछे जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ आप अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन का भी बटन दबा सकते हैं फॉर लेटेस्ट वीडियो, बिकॉज मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो नाउ टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन वाटर, यानी कि जो पानी की कठोरता निम्नलिखित में से किस पानी की उपस्थिति के कारण होती है। तो सिंपल है, जो वाटर में जो हार्डनेस रहती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम रहता है, यार ना कैल्शियम मैग्नीशियम रहता है, एंड ये भी जो हार्डनेस है उसको भी टू टाइप में डिवाइड कर दिया, यानी कि हार्डनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इसमें कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। ये क्वेश्चन दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है क्वेश्चन और काफ़ी प्रोबेबिलिटी है ऐसा क्वेश्चन के आने की। तो कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट यानी ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम कॉज कार्बोनेट हार्डनेस, देखो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ओके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का जो कार्बोनेट हार्डनेस है उसको ही बोलते हैं क्या, टेम्परेरी हार्डनेस। याद रखना उसी चीज़ को टेम्परेरी, ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है कि जो टेम्परेरी हार्डनेस को क्या बोला जाता है, तो ऑप्शन में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कैल्शियम रख देंगे एंड नॉन कार्बोनेट भी पुट कर देंगे, तो आंसर आपका यही रहेगा कि कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम का आंसर रहेगा टेम्परेरी हार्डनेस, बिकॉज दिस हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय सिंपल बॉइलिंग ऑफ वाटर। और जो ये टेम्परेरी हार्डनेस है वो सिंपल रिमूव हो सकता है बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉयल वाटर को गर्म करने के द्वारा ये इजीली रिमूव हो सकता है इसका हार्डनेस, ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस। अब आते हैं परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, तो वो नॉन कार्बोनेट में आ जाता है, यानी कि जो सल्फेट उसमें देखो सल्फेट क्लोराइड और नाइट्रेट रहता है ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम गिव्स परमानेंट हार्डनेस, ये जो ये थ्री केमिकल नेम है केमिकल हैं, ये कैल्शियम मैग्नीशियम का गिव यानी परमानेंट हार्डनेस देता है, टाइप ऑफ द हार्डनेस नॉन कार्बोनेट, और जो परमानेंट हार्डनेस को ही बोलते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, और टेम्परेरी हार्डनेस को बोलते हैं क्या, कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है, और परमानेंट को बोलते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें, परमानेंट हार्डनेस कांट रिमूव बाय सिंपल बॉइलिंग, ये सिंपल बॉइलिंग से रिमूव नहीं हो सकता, ओनली इट्स ओके सॉफ्टनिंग टेक्निक, ठीक है, ये वाई नहीं है टी ए टेक्निक। सो इट्स फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कंप्लीटेड। सेकेंड क्वेश्चन, ए रैपिड टेस्ट टू इंडिकेट द डेंसिटी ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर इन रिवर वाटर इज, यानी कि जो नदी के पानी में प्रदूषण की तीव्रता का संकेत देने के लिए एक त्वरित परीक्षा है, तो वो कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है, इसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं होगा, एम्पियर नहीं होगा, इट्स आंसर इज टोटल डिजोल्व सॉलिड, टोटल डोर सॉलिड है, बिकॉज देखो ये जो ये इक्विपमेंट है इसमें देखो आप देख सकते हैं इसके PPM, ये PPM पे मेन डिपेंड करता है परमिशन लिमिट एक्सेप्टेड, ठीक है, जो परमिशन इसकी लिमिट एक्सेप्टेड रहती है वो TDS की कितनी रहती है 500, और 500 से ज़्यादा यानी कि ज़्यादा भी रहेगी 600,000 भी रहेगी तो चल जाता है, बट 2000 हो गया देन उसको रिजेक्शन के लिए
रीज़न रहता है कि ये पानी रिएक्शन रहेगा और इसमें काफ़ी बैक्टीरिया पैथोजिन जो जो भी है उसमें रहता है। इसलिए टोटल डिजोल्व सॉलिड इसका इक्विपमेंट है जो कि रिवर में ये क्या कहते हैं टेस्ट करता है, यानी कि जो नदी के पानी प्रदूषण की तीव्रता को संकेत देने के लिए जो सपोज जो जो रिवर में जो पॉल्यूशन रहता है सबसे ज़्यादा प्रदूषण रहता है तो उसको जो मेज़र करने के लिए वो कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है। तो सिंपल है, आपको पता होना चाहिए टोटल डिजोल्व सॉलिड, ठीक है। परमिशन लिमिट भी आपको पता होना चाहिए कि कितना है, लिमिटेड 500 एंड रिजेक्शन 2000। द थर्ड क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर फॉर डोमेस्टिक यूज़ ऑफ वाटर इज, जो पानी के घरेलू उपयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी की गुणवत्ता पैरामीटर है तो वो क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए आपके लिए, मैं 3 सेकंड देता हूँ, 1, 2 एंड 3। ओके आई विल, ये आंसर है कॉलीफॉर्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या होता है कॉलीफॉर्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, यानी जीवाणु। तो इसका नोट इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा, ए कॉपी ऑफ द कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ओके, ए कॉपी ऑफ ये पानी घरेलू उपयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पानी की गुणवत्ता पैरामीटर है तो वो है सी, कॉलीफॉर्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ए कॉपी ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ओके नाउ एम्पियन इंडेक्स इज अ मेजर वन ऑफ द फॉलोइंग, जो एम्पियन इंडेक्स मेजर है वो जो मेजर करते हैं इसमें से कौन सा है। तो सिंपल है, ऑब्वियसली मैंने ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूँ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, क्या है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। सो इसका आंसर आप बता सकते हैं एंड आई विल गिव आंसर। सो नाउ इसका है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, और कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें बेसिकली कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ये भी कह सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड, जो वाटर में प्रेजेंस कहता है एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है तो इन द टेस्ट टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म और कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। ओके, तो ये एमपीएन का फुल फॉर्म होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर, तो यही मेज़र करता है कि दैट्स कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इन वाटर में कितना है, यानी कि उसमें भी एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वही इंडिकेट करता है कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेसिव फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉज, फ्लोराइड का ज़्यादा होने से ड्रिंकिंग वाटर में क्या रीज़न क्या कारण रहता है। तो सिंपल है, तो मॉल्टिंग ऑफ मॉल्टिंग ऑफ टीथ इसका यही है, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली में ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, बिकॉज जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड जो वाटर में रहता है उसका जो वो क्या कॉज करता है, यानी कि उसका जो इफेक्ट करता है वो क्या करता है, वो दैट्स जो पानी में जो जो छोटे धब्बे होते हैं उसमें टीथ में धब्बे होते हैं जो ये वो पीलापन आ जाता है डिके सड़ना होता है तो वो इसी रीजन के जरिए होता है फ्लोराइड के जरिए, यानी एक्सेस द फ्लोराइड मोस्ट कॉमनली इन ड्रिंकिंग वाटर कैन कॉज द फ्लोराइसिस विच इफेक्ट द टीथ और बोन्स, यानी टीथ और बोन्स में इफेक्ट करता है। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो जो वाटर ट्रीटमेंट का रहता है बेसिकली वो फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल रहता है, और ये जो फ्लोराइड है वो केमिकली में आता है। केमिकली में देखो काफ़ी चीज़ आती है, इसमें डिजॉल्व सॉलिड रहता है, पीएच, एल्कलिनिटी, हार्डनेस भी, फ्लोराइड्स भी, क्लोरीन, नाइट्रेट, मेटल, बीओडी, सारे रिमूव होते हैं केमिकली में। और फिजिकली में सस्पेंडेड सॉलिड, टर्बिडिटी, कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर एंड टेम्परेचर सब रहता है। सो इट्स आपको पता होना चाहिए, शुड बी नो दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, देखो मैंने ऊपर जो अभी ऑलरेडी बताया मैं टेम्प्रेरी हार्डनेस बताया था और परमानेंट हार्डनेस बताया था। ओके तो ये ऊपर जो बताया था उसके जरिए आप इजीली इधर आंसर दे सकते हैं, देखो क्वेश्चन बन गया ना टेम्प्रेरी हार्डनेस पे और ये परमानेंट हार्डनेस पे ही क्वेश्चन बन सकता है। तो जो टेम्प्रेरी हार्डनेस है इन वाटर इस किसके कारण होता है, किसके प्रेजेंस के कारण होता है, दैट्स आप देख सकते हैं ईजिली उसके कारण होता है, वो है आंसर ए, बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्या होता है, बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। और जो परमानेंट हार्डनेस पूछ लिया सपोज इधर आगे, परमानेंट हार्डनेस इन वाटर इज कॉज्ड बाय द, तो वो होगा परमानेंट हार्डनेस, वो होगा कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, ये बाई कार्बोनेट फॉर टेम्परेरी एंड कार्बोनेट फॉर परमानेंट, तो दैट्स आंसर इज ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड कंटेन वाटर विद द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी, यानी कि जो टर्बिडिटी बेसिकली होता है क्या, टर्बिडिटी होती है गंदगी टाइप में, ठीक है, गंदगी टाइप में होती है, जो इसमें से किस में सबसे ज़्यादा टर्बिडिटी रहता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द टर्बिडिटी, तो आप इजीली बता सकते हैं, आपके पास 4 सेकंड है, 1, 2, 3, 4, नाउ आंसर इज सी, रिवर में।
देख सकते हैं रिवर में सबसे जो गंदी रेड पीला रेड है, इसमें थोड़ा कलर है थोड़ा से टर्बिडिटी। ओके टर्बिडिटी जो होता है वो मेज़र करते हैं, इसमें काफ़ी रहता है टर्बिडिटी रॉड। ठीक है टर्बिडिटी रॉड होती है वो फील्ड मेथड रहती है। ठीक है और एक जैक्सन टर्बिडिटी मैटर भी होता है। ठीक है जैक्सन टर्बिडिटी मैटर है वो लेबोरेटरी मेथड रहता है। और दिस यानी कि यार ना दिस मेथड इज़ नॉट यूज़ फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ नहीं किया जाता। एंड एक होता है NTU यानी कि नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, ये सारे यूनिट होती है जो मेज़र करता है टर्बिडिटी को। देख सकते हैं इक्विपमेंट रहता है, इंस्ट्रूमेंट रहता है जो टर्बिडिटी यानी कि मेजर इन NTU यानी कि नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट और जैक्सन यूनिट दैट्स इज अ लेबोरेटरी मेथड। और फील्ड मैटर है वो टर्बिडिटी रॉड फील्ड मैटर है। जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट यूनिट द टर्बिडिटी इज मैक्सिमम, यानी कि निम्न उपचार इकाई के बाद में मैलापन अधिकतम होता है, सबसे ज़्यादा अधिकतम कहाँ होता है तो वो फ्लॉकुलेशन बेसिन में होता है, सबसे ज़्यादा फ्लॉकुलेशन बेसिन में होता है। और पहले यही होता है फ्लॉकुलेशन बेसिन ही पहले ट्रीटमेंट होता है। इसमें देख सकते हैं ये नीचे जो है जो स्लज है यानी स्लज एक्चुअली में वो कहते हैं कि स्लज कह सकते हैं क्या कह सकते हैं गंदगी टाइप में काफ़ी। ओके सो नाउ सस्पेंडेड सॉलिड रहता है इसमें काफ़ी कोगुलेशन, एक तो गाढ़ा होना रहता है जमावट होना, और फ्लॉग यानी कि फ्लॉग मीन्स जो लार्जर पार्टिकल वो रिमूव होता है। ठीक है तो दैट्स आंसर इज सी। और थोड़ा इसमें पढ़ सकते हैं फ्लॉकुलेशन बेसिन इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लॉक्स थ्रू द कोएगुलेशन, कोएगुलेशन जरिए इसमें फ्लॉक्स यानी कि लास्ट पार्टिकल यूज होता है। एंड आफ्टर दिस प्रोसेस टर्बिडिटी इज हाईएस्ट, इसमें इस प्रोसेस के बाद टर्बिडिटी हाईएस्ट हो जाती है। प्राइमरी सेडिमेंटेशन कॉज सेटलिंग ऑफ द पार्टिकल एंड टर्बिडिटी रिड्यूस, में टर्बिडिटी रिड्यूस हो जाता है कम हो जाता है। ओके इंडिया रेनफॉल इज जनरली रिकॉर्डेड, जो बारिश होती है इंडिया में एक्चुअली में तो वो रिकॉर्ड किया था जनरली, कब किया था किस टाइम पर किया था। तो आंसर इज़ आप देख सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं। तो आंसर इज ए 8 AM द मिनिमम रिकमेंडेशन ऑफ डायमीटर ऑफ द सीवे, जो सीवेज का डायमीटर है वो मिनिमम कितना रह सकता है तो वो है 15 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 300। देख सकते हैं मिनिमम जो डायमीटर ऑफ द सीवेज 15 सेंटीमीटर, मैक्सिमम इज 300। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा सकता है। तो अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट है फ्लैश, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट रिड्यूस द सैलिनिटी ऑफ वाटर, सैलिनिटी क्या होता है खारापन होता है नमकीन, जो वाटर का जो नमकीनपन है वो कम हो जाता है, वो इसमें कौन सा ट्रीटमेंट है। तो फर्स्ट अपना फ्लैश मिक्सिंग सेडिमेंटेशन, इलेक्ट्रो डायलिसिस या रिवर्स ऑस्मोसिस या फ्रीजिंग या फिल्ट्रेशन। तो आपको पता होना चाहिए फिल्ट्रेशन, इसमें फिल्ट्रेशन याद रखना हमेशा, ये जो रिमूव करता है वो रिमूव द फाइन पार्टिकल करता है नॉट सैलिनिटी। एंड जो फ्लैश मिक्सिंग सेडिमेंटेशन क्या करता है, सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव करता है, जो सेडिमेंटेशन है वो हमेशा सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव करता है। तो आंसर इज 2, 3, 4 यानी कि इसमें आंसर इज बी। तो इलेक्ट्रो डायलिसिस रिवर्स ऑस्मोसिस और फ्रीजिंग। नेक्स्ट है इन क्लीनिंग द स्लो सैंड फिल्टर इज डन बाय, जो स्लो सैंड फिल्टर है वो क्लीनिंग होता है वो किसके जरिए होता है, तो दैट्स स्क्रैपिंग यानी कि हटाना ऑफ टॉप लेयर, स्क्रैपिंग ऑफ टॉप लेयर ऑफ सैंड एंड एडमिटिक वाटर, यानी कि जो टॉप लेयर का सैंड रिमूव करना है उसमें एडमिट करते हैं वाटर। ओके सो नाउ, और जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉप जो मैं बताने वाला हूँ पॉइंट है वो नोट डाउन कर लेना, बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज इसमें पूछा है कि स्लो सैंड फिल्टर में जो क्लीनिंग पीरियड है वो कितना रहता है, तो वो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो रहता है 1 to 3 months। ठीक है और जो कितने परसेंट ये एक्चुअली में जो क्या कह सकते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रिमूव कर सकता है तो वो 99% कितना करता है 99%। और स्लो सैंड फिल्टर की जो डेप्थ रहती है वो 2.5 to 3.5 meters रहती है। और द बेस मटेरियल इन गिवन इन थ्री लेयर, जो बेस मटेरियल रहता है आप इसमें गूगल में सर्च करके सैंड स्लो सैंड फिल्टर का आप डायग्राम दे सकते हैं, तो उसमें मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया मैं, सो दैट मैं थोड़ा बता देता हूँ। उसमें थ्री लेयर रहती हैं ग्रेवल की, बेसिकली थ्री लेयर रहती है, जो टॉप लेयर रहती है वो 2-3 to 6 mm रहती है, और मिडल रहती है 20 to 40 mm, और बॉटम रहती है 40 to 65 mm। और ये डिज़ाइन पीरियड फॉर स्लो सैंड फिल्टर इज़ 10 years यानी कि 10 साल तक ये डिज़ाइन पीरियड बनता है इसका। और क्लीनिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि कितना रहता है 1 to 3 months। और बैक्टीरिया आपको पता है बैक्टीरिया जो रिमूव होता है वो 97 से 98% रिमूव ईजिली हो जाता है।
और ये भी क्वेश्चन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है, हर साल पूछते हैं, लास्ट ईयर भी में, लास्ट ईयर के लास्ट ईयर में पूछा गया था 2015 में। सो यूनिफॉर्म जो कोपिशन फॉर्मूला है फिल्टर सैंड का इज गिवन बाय, तो वो है d60/d10। ओके क्या होता है d60/d10, और d10 का भी पूछ सकते हैं, d10 क्या डिनोट करता है, d10 करता है इफेक्टिव साइज, यार मैंने इफेक्टिव साइज से d10 डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है इन इन वाटर ट्रीटमेंट, सपोज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में डिजोल्व आयरन एंड मैग्नीशियम कैन बी रिमूव फ्रॉम द वाटर, जो वाटर ट्रीटमेंट होता है उसमें जो आयरन और जो मैग्नीशिया है डिजोल्व रहता है वाटर में, वो किसके जरिए रिमूव हो सकता है, तो ये शुड बी नो दैट अबाउट दिस, तो वो होता है एरेशन और सेडिमेंटेशन। थोड़ा मैं डिटेल में बता देता हूँ, एरेशन क्या होता है, एरेशन एरेशन एक्चुअली में केमिकल रिमूव करते हैं, नहीं तो एरेशन ब्रिंग वाटर एयर इन क्लोज कंटेन इन ऑर्डर टू रिमूव द डिजोल्व गैसेज। एरेशन बेसिकली इसका इंडिविजुअल भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि एरेशन क्या रिमूव करता है, तो वो करता है गैसेज रिमूव करता है, ठीक है, जो कि उसमें गैसेज क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ऑक्साइड्स डिजोल्व मेटल सच एज द आयरन हाइड्रोजन सल्फाइड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल, और एरेशन इज ऑफन द फर्स्ट मेजर प्रोसेस एट द ट्रीटमेंट फॉर प्लांट, ठीक है, जो ट्रीटमेंट प्लांट का ये फर्स्ट ऑपरेशन है एरेशन। एंड जो सेडिमेंटेशन द एक्शन और प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग और डिपोजिशन सेडिमेंटेशन सेटलिंग, यानी कि जो सेडिमेंटेशन जो सेटलमेंट पार्टिकल है वो रिमूव करता है। ओके नाउ देख सकते हैं सेडिमेंटेशन, सपोज ये जो है ना सभी में इसमें पूरे वाटर में डिजोल्व है क्या पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल डिजोल्व है वो सेटल कर दिया है, तो दैट्स ये सेडिमेंटेशन की ही जरिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेस इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज लिस्टेड बिलो, ये आपको पता होना चाहिए, जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वाटर का, वाटर में ट्रीटमेंट प्रोसेस है, माने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो प्रोसेस है, तो वो क्या प्रोसेस है, फर्स्ट क्या आता है, सेकंड क्या आता है, इसमें आपको पता होना चाहिए। सो नाउ इसमें से क्या होगा, बेसिकली मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ, समझाता हूँ, डायग्राम से एक्चुअली बताऊं या बताता हूँ ऐसी, फर्स्ट कोएगुलेशन, ओके फर्स्ट आपका कोएगुलेशन से होता है, मैंने ऊपर भी बताया आपको कोएगुलेशन से होगा, और फिर फ्लॉक्यूलेशन, मैं इसके जरिए थोड़ा बताता हूँ डायरेक्ट, इसमें डायग्राम से आप अच्छे से समझ पाओगे, देखो कोएगुलेशन फर्स्ट जो होगा, उसके बाद फ्लैकुलेशन गिवन दिया, फ्लैकुलेशन होगा, फिर सेडिमेंटेशन होगा, फिल्ट्रेशन होगा, एंड डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन क्या करता है, डिसइंफेक्शन रिमूव करता है इसमें जो पैथोजेंस यानी कि बैक्टीरिया होता है वो रिमूव करता है और ईजिली, सो इसका आंसर रहेगा बी, यानी कि 4-5-3-1-2, ठीक है 4-5-3-1-2 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो नाउ देखो कोएगुलेशन फ्लॉकुलेशन जो रिमूव करता है, कोएगुलेशन फ्लॉकुलेशन आर ऑफन द फर्स्ट स्टेप इन द वाटर ट्रीटमेंट, सेडिमेंटेशन इज द सेकंड स्टेप, और सेडिमेंटेशन क्या रिमूव करता है, ये जो सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव करते हैं, ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन फ्लॉक सेटल्स टू द बॉटम ऑफ द वाटर सप्लाई ड्यू टू द इट्स वेट, दिस सेटलिंग प्रोसेस इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन यू नो दैट इन ऑर्डर टू द रिमूव डिजोल्व द पार्टिकल, जो पार्टिकल डिजोल्व होता है वो रिमूव करता है, सच एज द डस्ट पार्टिकल्स पैरासाइट्स बैक्टीरिया वायरसेस एंड केमिकल, डिसइन्फेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डिसइन्फेक्शन क्या रिमूव करता है, आफ्टर द वाटर हैज़ बीन फिल्टर्ड ए डिसइन्फेक्शन फॉर एग्जाम्पल द क्लोरीन और क्रोमाइन, यानी कि ये गैस ये जो केमिकल ये केमिकल रहता है वो रिमूव करता है, मे बी एडेड ऑन द ऑर्डर टू द किल इन एनी, आप देख सकते हैं ये डायग्राम बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर विल बी प्रोड्यूस वाटर ऑफ हायर बैक्टीरिया क्वालिटी, ये क्वेश्चन ऑब्वियसली अब क्या बताओगे, इसमें तो इसमें गिवन आंसर दिया है ऑलरेडी, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर, कौन सा फिल्टर है जो विल प्रोड्यूस वाटर ऑफ द हायर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी बनाता है, ठीक है, तो वो आंसर इज द स्लो सैंड फिल्टर, ये स्लो सैंड फिल्टर कैन रिमूव 98-99% मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बैक्टीरिया रिमूव करता है, इट हैज़ द मैक्सिमम बैक्टीरिया रिमूव एफिशिएंसी। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड वाटर जनरली फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड एंड डिजोल्व इम्प्योरिटी, जो ग्राउंड वाटर रहता है, ये ग्राउंड वाटर में कौन सा रहता है आप कह सकते हैं, रिवर कह सकते हैं, लेक रहते हैं, तो वो इम्प्योरिटी वाटर नहीं रहता, याद रखना वो फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी नहीं रहता, ठीक है, तो आंसर इज 2, 3, 4 है, बिकॉज रेन वाटर इज सॉफ्ट एंड टेस्टलेस, ऑब्वियसली रेन वाटर सॉफ्ट एंड टेस्टफुल रहता है, और लेक वाटर है मे कंटेन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म,
जो लेक वाटर है उसमें कंटेंट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यानी कि जो जीवाणु है बैक्टीरिया वो इसमें और उसमें रहता है और कंटेंट रहता है, ठीक है। सस्पेंडेड मैटर ऑफ एन कंटेंट पैथोजेंस बैक्टीरिया, ठीक है। तो आंसर इज इसका सी। और इसका थोड़ा बता देता हूँ, जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर बेसिकली ग्राउंड वाटर इज अ फ्री फ्रॉम द सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, ठीक है, फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, नॉट अ डिजॉल्व इम्प्योरिटी, ठीक है। एंड जो हाउ एवर डिजॉल्व गैसेज सॉल्ट एंड मिनरल आर फाउंड इन ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर में देखो क्या क्या रहता है, उसमें सॉल्ट गैसेज मिनरल का रहता है। सो दैट आंसर इज सी। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ऑब्वियसली इसमें सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर इज ई। कोएगुलेशन वाइडली यूज फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट, जो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए यूज कोएगुलेशन यूज करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, तो इसका बेसिकली आपको बताना चाहिए, बट इसमें ऑब्वियसली इसमें गिवन दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका रहेगा फेरिक, क्या रहेगा, फेरिक क्लोराइड। कुछ लड़कों ने इसमें बताया था कि डिस्कस चल रहा था कि फेरिक क्लोराइड यूज़ नहीं होता, बट फेरिक क्लोराइड याद रखना, कुछ ने बताया था कि जो एलम यूज़ होता है कोगुलेशन में जो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, बट उन्हें ये पता है कि एलम यूज़ होता है, ठीक है मानते हैं, बट स्पेशली सीवेज ट्रीटमेंट के लिए नहीं होता है। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए होता है फेरिक क्लोराइड, यानी कि जो एलम यूज़ होता है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ होता है, ठीक है, पर जो फेरिक क्लोराइड रहता है वो सीवेज के लिए। तो कन्फ्यूजिंग ना होना, इसका आंसर बी। अब इसका आंसर आप बताओगे, मैंने बेसिकली सब बता दिया। हाउस जो कनेक्शन रहता है, हाउस कनेक्शन रहता है, तो लेटरल, लेटरल देख आप सकते हैं, ये लेटरल, ठीक है, अब देख सकते हैं ये लेटरल जो कनेक्शन है वो उसमें जो मटेरियल है, एक्चुअली में ये देखो पाइप है, वो कौन सा मटेरियल में से कौन सा है, आरसीसी या पीसीसी या कास्ट आयरन या ग्लेज्ड स्टोन वेयर, तो आप ये कमेंट्स में बताओगे आंसर इसमें से कौन सा रहा है। सो प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, बिकॉज काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, एंड शेयर इज़ अ शेयरिंग इज़ अ केयरिंग, सो दैट्स नाउ। एंड आप प्लीज़ इसे वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक भी कर सकते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। सो थैंक यू सो मच।